इस वक्त हम यू मॉनेस्ट्री में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 1981 में जब रोड का निर्माण किया जा रहा था और खुदाई में जब एक महिला को बैठे हुए देखा गया, तब उस महिला के पास लोग गए तो देखा, यहाँ के लोगों ने बताया कि वो हमारे भगवान है। तो इसके बाद यहाँ पर यू मॉनेस्ट्री की जो मम्मी थी उनको यहाँ पर विस्तार से बनाया गया और बैठा दिया गया। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। ये वही मम्मी है जो लगभग 550 साल पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर लोग हमारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा अंदर आइए और पास से दिखाइए। यू मॉनेस्ट्री यानी कि मॉनेस्ट्री की बात की जाए, ये यू मॉनेस्ट्री है और लगभग 550 साल पुरानी ये मॉनेस्ट्री बताई जा रही है। और 1981 में यह मॉनेस्ट्री खुदाई के दौरान मिली थी। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मम्मी के बारे में, यहाँ पर पूरी ही बकायदा जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर ओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखी गई है। और रिसर्च के दौरान ये महिला की जो मम्मी है वो यहाँ पर मिली थी। मान लो आप लोग यहाँ रहते हैं, कब से रहना शुरू हुआ था आप लोगों का लगभग? तो ये तो पता नहीं चल सकता कब से शुरू हुआ, जैसे कि बहुत पूर्वज जो पूर्वज जैसे पीढ़ी से पीढ़ी आया है ना। कितना पीढ़ी हो गया? अच्छा, आप लोगों हमने हमने तो 3 पीढ़ी देखा अभी तक। हमने 3 पीढ़ी, आगे चौथा वाले नीचे वाले ऊपर वाले 3 देखे हैं, मगर नीचे वाले तो 2 ही। अच्छा, आप लोगों की कभी ख्वाहिश नहीं होती है कि खुले में जाना चाहिए, बाहर दिल्ली दिल्ली में घर होना चाहिए? पहाड़ के बीच आप लोग रह रहे हैं, हमारे देना यही ठीक है, मगर दिल्ली वगैरह हम घूमते रहते हैं ना, ये होता है। अच्छा, दिल्ली दिल्ली आप लोग जाते हो, खाने आने का सामान कहाँ से आता है आप लोग? हमारे यहीं पर है, वैसे स्पीति में जो है अपना ही यहीं ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर टूरिस्ट पहले से लगभग कितने टूरिस्ट आते हैं आप लोग? बहुत होते हैं। अच्छा, आप लोगों को बिजनेस क्या है? अब बिजनेस तो लगभग बहुत कम है, वैसे सारे जो है वो नौकरी। अच्छा, नौकरी वाले, यानी आप लोगों के जो बच्चे हैं वो यही रहते हैं कि बाहर जॉब करते हैं? हमारे बच्चे तो अधिकतर यहाँ भी है, यहाँ जॉब यहाँ करते हैं, और पढ़ने के लिए जो प्लस टू के बाद। अच्छा, बाहर रहते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है, ये बौद्ध धर्म तो काफ़ी एक कठिनाई भरा धर्म माना जाता है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ज़्यादातर आप लोग रहते हैं, क्योंकि चाहे वो लद्दाख हो चाहे स्पीति हो, यही दो मेन पॉइंट माने जाते हैं। स्पीति में आप लोग रहते हैं, कैसा मानते हैं आप लोग? बढ़िया मानते हैं, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। बौद्ध धर्म को लेकर आपकी क्या आस्था है? बहुत अच्छा, यही हमारे जो है सबसे माना।